चलिए आगे बढ़ रहे हैं। मुंगेली में अवैध प्लॉटिंग का गोरख धंधा जमकर फल फूल रहा है। कॉलोनाइजर भोले भाले किसानों की जमीनों को भी प्लॉटिंग करके बेचने से बात नहीं आ रहे। वही युवा कांग्रेस ने कॉलोनाइजरों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। युवा कांग्रेस ने कलेक्टर से शिकायत कर कॉलोनाइजर पर कार्रवाई किए जाने की मांग की है। उन्होंने कॉलोनाइजर पर प्लॉट बेचने के दौरान टाउन एंड कंट्री के तमाम नियमों का पालन नहीं किए जाने का गंभीर आरोप लगाया। उन्होंने ये भी कहा कि इससे सरकार को राजस्व की भी हानि हो रही है। कांग्रेस ने यह भी आरोप लगाया है कि कॉलोनाइजर आम जनता को घर का सपना दिखाकर अवैध प्लॉट बेच रहा है। वहीं भारत माता कॉलोनी, पृथ्वी ग्रीन कॉलोनी और सोनकर सिटी कॉलोनी के लोग सुविधा के लिए आज भी परेशान हैं। इधर अपर कलेक्टर ने इस पूरे मामले में कॉलोनाइजर के खिलाफ सख्त कार्रवाई किए जाने का आश्वासन दिया। मीनों को बेचा जा रहा है, काटा जा रहा है, यहाँ पे उनकी शिकायत के आज कलेक्टर महोदय पास हम लोग मिलने के लिए आए थे और उनसे आग्रह किया है कि जल्द से जल्द इन लोग के ऊपर कार्रवाई की जाए, क्योंकि इससे उनके जो अवैध प्लॉटिंग कर रहे हैं, कॉलोनी बना रहे हैं, उनसे शासन को बहुत क्षति हो रही है। ये लोग आवासीय प्लॉट बोल के बेच जरूर रहे, लेकिन 350 का बोर्ड लगा के मेनू कार्ड टाइप हर जगह सब जगह कर रहे हैं, लेकिन वहाँ पे प्लॉट बेचने के बाद ना रोड बन रहे हैं ना नाली बन रही है। 10-15 साल से घर लोग बन चुके हैं, लेकिन वहाँ पे किसी चीज की सुविधा नहीं है। और अवैध कॉलोनी निर्माण किए जाने के संबंध में शिकायत प्राप्त हुई है। यह शिकायत राजेश छेदैया, जिला अध्यक्ष युवा कांग्रेस जिला मुंगेली द्वारा की गई है। और इसमें यह बताया गया है कि बहुत दिनों से जो है अवैध प्लॉटिंग का कार्य यहाँ पे किया जा रहा है।